टाकुली ऑटो टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों फ्रेम में अभी आप देख रहे हैं MG की गाड़ी। अब पहली चैनल पर रहने वाली हमारी जो है, जो कि कोई आप पहली MG की गाड़ी देख रहे हैं, MG एस्टर का ये जो है शार्प EX वेरिएंट है। वैसे तो इसका बेस वेरिएंट ना अच्छी खासी प्राइस जो है 10,38,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं और ये जो सेगमेंट रहता है ना, ये रहता है मिड साइज SUV वाला, जिसमें कि क्रेटा, सेल्टोस या फिर जो है ग्रैंड विटारा, हाई रेडर और टाइगून, ये जो है कोसाक जैसी गाड़ियाँ आती है। इस सेगमेंट में जो है ये कह सकते हैं कॉम्पीट करती है उन सबको, लेकिन फ़ीचर्स बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। खासकर बेस वेरिएंट भी काफ़ी कह सकते हैं ना फीचर लोडेड मिलता है। बस वही देखना था मेरे को, लेकिन वो दिखता ही नहीं है जो है शोरूम पे। जैसे ही आता है ज़्यादातर जो है लोग पहले से ही फटाफट से जो है ले जाते हैं। लेकिन ये शार्प EX वेरिएंट है, इसमें आपको Level 2 का एडास भी मिलता है, सबसे जो है टॉप एंड वेरिएंट जो सेवी आता है उस वाले वेरिएंट में। और इस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स हैं उसकी हम अभी बात जो करेंगे डिटेल में। इंजन ऑप्शन 2 मिल जाते हैं, पेट्रोल में टर्बो और नॉन टर्बो, उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन आपको जो है थोड़ा ओवरव्यू बताना चाहूँगा। अगर ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो डायमेंशन रहती है, ऑन लेंथ की बात करी जाए 4323 mm आपको इसकी ओवरऑल लेंथ मिलती है। व्हील बेस की बात करें 2585 mm का जो है इसका व्हील बेस रहता है। और इसके बाद जो हाइट है, हाइट इसकी आपको 1650 mm की ओवरऑल मिल जाती है, 1809 mm की जो है यहाँ पर विड्थ चौड़ाई के साथ में। तो सेगमेंट आपने देख लिया, एक तरीके से वही सेगमेंट बन जाता है इसका मिड साइज SUV का। अब एक्सटीरियर को कवर अप ना करने से पहले मैं इंटीरियर की ओर जो है जाना पसंद ज़्यादा करूँगा, क्योंकि फीचर्स जो है ना इंटीरियर में ज़्यादा मेरे को इसमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी जो है यहाँ पे लग रहे हैं। अभी बात करेंगे, क्योंकि AI सारा कुछ जो है इसमें, वॉइस कमांड वाला आपको जो है रोबोट भी आपको अंदर देखने को मिलता है। तो दिखाते हैं कौन सा वाला रोबोट आपको जो है देखने को मिल रहा है। तो डोर आप देख सकते हैं कुछ इतनी जो है ओपनिंग पे इसके जो है डोर रहते हैं, ठीक ठाक है। ये वाला जैसा कि यूजुअली वाइड जो है ओपनिंग में रहता है ड्राइवर वाला, ये थोड़ा कम वाइड में रहेगा। सबसे पहले मैं ये इसका ना स्पेस चेक करूँगा, स्पेस इसलिए चेक करूँगा कि कंफर्ट कितना मिल रहा है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, ये देख लीजिए इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का पूरा सिस्टम है, 6-way एडजस्टेबल आराम से जो है आप प्रॉपर कर सकते हैं। लेदरेट सीटें हैं डुअल टोन में। अब मेरा सबसे फेवरेट यही चीज़ लगती है, डुअल टोन कलर अगर लाइट थीम में होना, क्या ही मज़ा जो है इंटीरियर में जो है यहाँ पर आता है। तो मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है पूरी सीट एडजस्ट करता हूँ, रिक्लाइन पोजीशन भी एडजस्ट कर लूँगा और जो भी जो है एडजस्ट करना होता है ये सारा कुछ करके पीछे का स्पेस दिखाता हूँ। तो ये फटाफट से जो है ये सिस्टम बड़ा सही लगता है, एक ही उंगली से प्रेस करके आपको ये पूरा सेट कर लेना। तो ये पूरा सेट हो चुका है मेरी ड्राइविंग स्टाइल के अकॉर्डिंग। अब जरा रियर सेक्शन में चलते हैं, पीछे की ओर चलेंगे, पीछे कितना स्पेस मिल रहा है ज़रा ये चेक करते हैं हम। बाकी डोर का जो है थर्ड, वो भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर साउंड कर रहा है। यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको पूरा लेदरेट टच। इसके ऊपर वाले वेरिएंट में तो फीचर्स जैसा कि आप यूजुअली जानते हैं बढ़ी जाते हैं, सिल्वर साटन फिनिश प्रॉपर इसमें दी जाती है। बाकी चारों टायरों में आपको जो है डिस्क जो है बेस वेरिएंट से मिल जाएगी, सेफ्टी फीचर्स भी बेस वेरिएंट से काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब यहाँ से आप देखें ना, दिखने में ही स्पेस ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा स्पेस होगा। और यहाँ पे तीनों रो में आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दी जाती हैं। सेफ्टी फीचर भी बताऊँगा, सबसे पहले कंफर्ट जो है ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा जो है इस गाड़ी में मिल रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पर, ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि ऐसी ऐसी प्रीमियम रिच चीज़ें जो हैं इसमें दी गई हैं, जो कि गाड़ी को एक थोड़ा लग्जरी क्लास में जो है लेके आ जाती हैं। अब यहाँ बैठेंगे ना, अब इतनी जो है ये चीज़ मैंने थोड़ा अपने जो है बॉडी जो है पोस्चर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जो है एडजस्ट करी थी, ये कुछ ज़्यादा ही जो है स्ट्रेट में है। तो यहाँ पर आप देखें तो ये जो आपका व्हील बेस था ना, उस हिसाब से जो है इसमें स्पेस मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को सही लग रहा है, बट मेरे जैसे तो दो आराम से बैठ सकते हैं इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर। लेकिन तीसरा बैठना चाहें तो तीसरे के लिए थोड़ा सा हम्प ना कुछ ज़्यादा ही ऊँचा है, तो लॉन्ग जर्नी के लिए तो नहीं, शॉर्ट जर्नी के लिए दो लोग तो यहाँ पर दो लोग कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, तीन लोगों का थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर बात करी जाए यहाँ पे रियर में AC वेंट प्रॉपर दिया गया है, दो USB टाइप चार्जिंग सॉकेट भी आपको प्रॉपर यहाँ पे
दिए ही गए हैं ये कुछ इस तरीके से। और बाकी लेदरेट सीटें रहती हैं तो कुछ अलग ही फील आता है इसमें। फ्रंट का जो है अगर आप प्रोफाइल देखेंगे फ्रंट का डैशबोर्ड का व्यू, ये भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और बाकी हेडरूम अगर मैं आपको जो है दिखाना चाहूँ तो हेडरूम यहाँ से आप देख लीजिए, हेडरूम कुछ इतना रिमेन बच रहा है जो कि ठीक ठाक है 5'7" 5'8" के हाइट के अकॉर्डिंग। बाकी 6 फीट वालों को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे अगर देखा जाए, फ्रंट में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है अगर बात करते हैं। अब बाकी ऐसा कुछ रहेगा इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे 6 एयरबैग्स तो ऊपर से आपको वेरिएंट में मिलेंगे ही मिलेंगे। डेडिकेटेड अभी बताऊंगा सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं। बाकी कंफर्ट आपको अच्छा खासा मिल रहा है। बाकी ऐसा कुछ रहेगा डोर के जो है आपके जो ग्लास है ना ये भी काफ़ी अच्छे खासे बड़े बड़े से आपको यहाँ पर खासकर इस कलर से क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला जो सीन है वो बिल्कुल भी आपको यहाँ अंदर फील में नहीं होने वाला अंदर। और ऐसा कुछ रहता है। अब ज़रा फ्रंट सेक्शन की ओर चलते हैं, फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में जरा कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस गाड़ी में दिए गए हैं खासकर इस शार्प EX वेरिएंट में, तो चारों पावर विंडो मिलेंगी। स्पीकर का सेटअप ट्विटर के साथ में टोटल यहाँ पे 5 से 6 स्पीकरों का देखने को मिलेगा। लॉक अनलॉक का यहाँ पर बड़ी यूनिक सी जगह दिया गया है, ज़्यादातर आपने वहीं पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। और यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर आपको प्रॉपर देखने को मिल ही रहा है ये। तो यहाँ से वन टच डाउन वन टच अप, ये शायद एंटी पिंच भी होगी, ये भी बहुत सही दे रखा है। तो ड्राइवर साइड वाली आपको एंटी पिंच के साथ में मिल जा रही विंडो, बाकी ये नॉर्मली आपको और रहती हैं। अब ज़रा सीट पीछे करेंगे, बाकी ये फीचर्स अच्छा ही रहता है। ये देख लीजिए वॉइस कमांड भी सारा कुछ जो है ये गाड़ी लेती है। ये देखिए अपने ही आपों में कुछ बातें कर रही है, तो इससे कुछ पूछते हैं। हे MG ओपन द सनरूफ। नहीं मानी, अब यहां से इसे प्रेस करना पड़ेगा शायद। यस। हे MG ओपन द सनरूफ। चलो मान गई, ये देख लीजिए ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ पूरी जो है सिर्फ ऐसे ही जो है वॉइस कमांड देने इस रोबोट को आराम से ओपन कर देती है। एक बार और देते हैं शायद। हे MG क्लोज द सनरूफ। शायद इसे दबाना पड़ेगा। आई एम लिसनिंग। हे MG क्लोज द सनरूफ। ये देख लीजिए ये बंद भी कर देती है। और भी बहुत चीजें इससे आप कह सकते हैं विकीपीडिया में जो भी कहना होता है, AC ऑन कर दे, ये जो भी करना होता है सारा कुछ जो है इंग्लिश सारा कुछ ले लेती है। अब यहाँ से और फीचर ज़रा जानते हैं इसके। सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग है और आपको ये प्रॉपर कुछ लेदर आपको रैप के साथ में मिलेगा। और यहाँ पे आपको स्टेयरिंग पे दोनों ओर कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसकी जो है 10 इंच की आसपास स्क्रीन मिलती है, इसके सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। और एडजस्टमेंट चेक करें तो एडजस्टमेंट जो आपको इसमें टिल्ट और यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही दिया गया है मेरे ख्याल से, टिल्ट टाइप ही जो है एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। मीटर कंसोल देखें, मीटर कंसोल अच्छा खासा फुली डिजिटल टाइप का है, कुछ ऐसा जो है दिया गया है इसमें। इसके कंट्रोल्स आप जो है चेंज करना चाहें यहाँ से आप जो है आसानी से जो है कर सकते हैं। बाकी और ऐसा कुछ रहेगा। सेंटर कंसोल की बात करते हैं हम। सेंटर कंसोल में अगर आप देखें थोड़ा डैशबोर्ड में जो है ऐसा जो स्टिचिंग टाइप की जो है ऐसा डमी टाइप की दी गई है वो आपको इसमें मिलेंगी, पूरा हार्ड प्लास्टिक में है। लेकिन ये थोड़ा सॉफ्ट टच में आपको पूरा क्रीमी टाइप का आपको जो है कलर में देखने को मिल रहा है। बाकी ग्लोव बॉक्स का साइज एक बेसिक सा है, ग्लॉसी टच साटन फिनिश में प्रॉपर इसमें देखने को मिलेगी। और पीछे जो है कैमरा उसके अगर मैं बात करूं तो पीछे की कैमरे की जो है क्वालिटी अब चेक करते हैं। ये 5 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन है अगर बात करी जाए, और इसका जो है रिवर्स जस्ट नीचे करके आपको जो है यहाँ पर इंगेज करना पड़ेगा। तो पीछे के कैमरे की क्वालिटी विद सेंसर के साथ में ऐसा जो है आपको पूरा गाइड ये करता है। स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी लग रही है अगर आप देखते हैं यहाँ पे। और कंट्रोल्स यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे, जो कि स्विचेस की क्वालिटी भी काफ़ी जो है इसमें अच्छी सी दी गई है जो कि ऐसी कुछ रहती है। और बाकी यहाँ चार्जिंग सॉकेट प्रॉपर 2 मिल जाएंगे, एक 12 वोल्ट का यहाँ जो है यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर दिया जाता है ऐसा कुछ जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ ऐसे जो है एकदम भर्राटेदार आपका AC जो है यहाँ पे ऑन
हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ऐसा रहेगा इसका पूरा इंटीरियर जो कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, और ऑफ करने पे ये गुड बाय कह देती है। यहाँ आपको प्रॉपर की स्लॉट यहाँ पर दिया ही जाता है जो कि आप ये कह रहा है, और यहाँ पे आर्मरेस्ट हो गया। आर्मरेस्ट आपको प्रॉपर इतने से जो है कह सकते हैं पूरा कवरिंग के साथ में इसमें मिलेगा ही मिलेगा। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर आपको डे नाइट IRVM सिंपल सा आपको दिया गया है। बाकी यहाँ आपको जो है वैनिटी मिरर के साथ में स्लाइडिंग वाला IRVM ये मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको स्लाइडिंग वाला IRVM ये प्रॉपर दिया ही जा रहा है। तो मतलब देखो, गाड़ी जिस हिसाब से जो है कंपनी पैसे ले रही है उस हिसाब से फीचर्स भी दे रही है, फीचर रिच भी हैं इसमें। खासकर मेरे को तो बेस वेरिएंट देखना था, क्योंकि बेस वेरिएंट ज़्यादातर लोगों की पसंद रहती है और बजट में भी वही आता है। अब क्योंकि देखो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं उस हिसाब से फीचर्स तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है, इससे आप जो है बूट ओपन भी कर लेते हैं। एक बार मैं आपको जो है बूट ओपन करके दिखाता हूँ, इसका बूट प्रॉपर ओपन करते हैं इसका। और इसके जो है ORBMs ये हाले कंट्रोल नहीं बताए ना मैंने आपको, ORBMs आप जो है यहाँ कंट्रोल्स करेंगे। बड़ी यूनिक सी जगह दिया गया है। हेडलाइट की बीम यहां से एडजस्ट करेंगे आप, और यहां से फ्रंट का जो है हुड ओपन करेंगे। यहां से जो है फ्यूल लिड जो होता है यहां से आप जो है ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं रियर सेक्शन की ओर, रियर का जो है बूट ओपन करते हैं। बूट एक तरीके से पूरा ऑटोमेटिक तरीके से जो है हम इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, 48 लीटर की जो है इसके पेट्रोल टैंक की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको प्रॉपर मिलेगी मिलेगी। यहाँ सर जो है इसको बूट ओपन करते हैं, तो ये हो गया बूट ओपन। आवाज़ एकदम आपको प्रॉपर मिल जाती है, और MG के लोगों से ऐसा जो है आपको प्रॉपर इसे ओपन करना पड़ता है। 488 लीटर के आसपास इसका जो है बूट स्पेस रहता है, जो कि कह सकते हैं सेगमेंट में काफ़ी अच्छा खासा जो है देखने को मिल रहा है। ऊपर पार्शियल ट्रे देखिए, ये भी काफ़ी अच्छी खासी चीज़ जो है बड़ी सी आपको देखने को मिलेगी, और अंदर बूट लैंप भी आपको प्रॉपर मिली जाती है, और कुछ इस तरीके से ये बंद भी हो जाती है। शायद इसको पता लग गया हो, डे चल रहा है अभी, दिन चल रहा है। बाकी 215/60 R16 का जो है आपको स्पेयर व्हील यहाँ पे प्रॉपर अपोलो के जो है यहाँ पे टायर के साथ में दिया जाता है। तो ऐसा रहता है इसका रियर में बूट स्पेस जो कि आपने देखा। अब जरा एक्सटीरियर के फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटीरियर में सबसे पहले तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसमें कुछ फीचर्स जो कि रहते ना इसमें चारों टायरों में डिस्क बेस वेरिएंट से ही मिलेगी, और साथ ही साथ जो है डिफॉगर भी शायद इसमें बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। और यहाँ पीछे आप देखते हैं तो पीछे आपको वाइपर डिफॉगर विद वॉशर यूनिट के साथ में मिलता है। इंटीग्रेटेड आपको स्पॉइलर मिलेगा। पीछे जो है आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप MG Aster यहाँ पे आपको लिखा हुआ प्रॉपर दिखाई जाता है यहाँ पे, और रिवर्स पार्किंग सेंसर रिवर्स लैंप भी प्रॉपर आपको इसमें दी जाती हैं। पीछे ये बम्पर में शेड देखिए, बड़ा ही जो है कह सकते हैं स्पोर्टी सा जो है यहाँ पे फील कराएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो ऐसा रहता है शार्क फिन एंटीना, बड़ा ही छोटा सा जो है देखने को मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है। रूफ रेल्स प्रॉपर आपको जो है इसमें सिल्वर कलर की दी जाती हैं। डोर हैंडल्स पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर तो मिलेगा ही, वो क्रोम कलर के जो है यहाँ पे डोर हैंडल्स रहते हैं। और एक और चीज़ तो मैं बताना आपको दिखाना भूल ही गया, ये 360 डिग्री कैमरे का व्यू एक बार यहाँ से दिखाया जाए कैसा जो है आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे की रखते हैं, यहाँ से जो है हम इसे अब इसको स्विच ढूंढना पड़ेगा फटाफट से। 360 का ये है सेंटर कंसोल में दिया गया है जो कि आप ये देख रहे हैं, इसे प्रेस करना है आपको। 360 डिग्री का व्यू आपको जो है प्रॉपर इसमें यहाँ पर मिल जाएगा कुछ, अभी मैं दिखाता हूँ फटाफट से। तो ये है इसका पूरा 360 डिग्री व्यू, देख रहे हैं। फ्रंट का कैमरा भी जो है यहाँ पर इनेबल हो जाता है इस तरीके से, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ से जो है कुछ भी इसकी जो है आप ये सारा कुछ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन जिस हिसाब से गाड़ी में के साथ जो है बहुत सारे आपको इसमें मिलते ही मिलते हैं। और एक बार फ्रंट सेक्शन की ओर जो है और चलते हैं, फिर आपको जो है लाइटें एक बार मैं दिखाऊं। यहाँ पर लाइटें यहाँ पे मैंने ऑन कर दी हैं, लाइटें आपको इसमें पूरी LED में दी जाती हैं। रियर में देखें, रियर में LED जो है टेल लैम्प्स काफ़ी ही प्यारी लग रही है, खासकर लाइटों को तो यहाँ पर रात में देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप देखें फ्रंट से तो फ्रंट की भी लाइटें आपको जो है प्रॉपर कुछ ऐसी दी जाती हैं, ये रहती हैं DRLs, ये आपको जो है प्रोजेक्टर आपको जो है LED में मिलेंगे, और नीचे भी फॉग लैंप्स प्रॉपर आपको जो है देखने को मिल ही रहे हैं।
बाकी बीच में MG का लोगो, वो भी काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन करा गया है। और ये जो ग्रिल है ना, है तो क्रोम में, एकदम ब्लैक में, ये इफेक्ट थोड़ा बहुत आपको ना 3D वाला देती है, तो 3D वाला इफेक्ट प्रॉपर इसमें मिलता है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम सा लुक जो है गाड़ी को दे जाता है। नीचे प्रॉपर बम्पर पे आपको फ्रंट में सिल्वर स्किट प्लेट मिल जाती है। बाकी फ्रंट का डिज़ाइन आप मेरे को बताएं, आपको कैसा लगता है MG एस्टर का, ज़रूर बताएं। बाकी रोड साइड बन रही है थोड़ी वीडियो, तो ऐसी आवाज़ आती रहेगी। तो ये थी दोस्तों MG एस्टर। मेरे हिसाब से जो लोग ना शौकीन होते हैं थोड़ा फीचर रिच गाड़ी के, और मिड साइज SUV सेगमेंट में अगर वो लेना चाहते हैं, तो इसे जो है कंसीडर कर सकते हैं। खासकर बेस वेरिएंट अगर मिल जाता है ना, तब तो क्या ही कहने हैं उसके। और फटाफट से अब लाइटें बंद करते हैं, बाकी और फीचर्स के बारे में जो है इसके जानते हैं, क्या क्या जो है इसके सेफ्टी फीचर्स रहते हैं उसकी बात करते हैं। अब दो इंजन ऑप्शन मिलने हैं, क्या क्या पावर, क्या टॉर्क जो है उनका रहता है। तो इसमें जो है आपको अभी जो वेरिएंट है आपके सामने नॉर्मल इंजन वाला है, इसमें टर्बो वाला इंजन वाला वेरिएंट अभी आप सामने नहीं देख रहे हैं। तो इसमें जो रहेगा, इसमें पावर आउटपुट वो मैं बताता हूँ। तो ये रहता है इसका 4 सिलेंडर वाला पावर आउटपुट, एक बार इसे लगा के बताई जाए आपको, प्रॉपर इसे लगाते हैं। तो ये रहता है दोस्तों इसका पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर वाला, 1498 cc का, वही 1.5 लीटर का आप इसे कह सकते हैं। पावर प्रोड्यूस करता है 108 bhp की 144 Nm टॉर्क के साथ में। और साथ ही साथ अगर जो है इसका आप टर्बो वाला जो है वेरिएंट अगर लेंगे, तो उसमें आपको ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन मिलता है, पावर जो इसमें मिलेगी ना वो मिलेगी उसमें 138 bhp की 220 Nm टॉर्क के साथ में। उसमें जो है इंजन आपको 1349 cc का जो है आपको देखने को मिलेगा, 3 सिलेंडर वाला। तो 3 सिलेंडर में टर्बो इंजन मिल रहा है इसमें, और नेचुरली एस्पिरेटेड टाइप का आपको 4 सिलेंडर में इंजन मिलेगा, जिसे थोड़ा ना अग्रेसिवनेस ज़्यादा चाहिए गाड़ी में, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसका टर्बो वेरिएंट ले लें। स्पोर्टीनेस थोड़ी उसमें आपको जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी। बाकी माइलेज की बात करें, माइलेज का अराउंड वही जो है कह सकते हैं 16 से 18 के आसपास नेचुरली एस्पिरेटेड में रहेगा ऑन हाईवे में। और बाकी अगर टर्बो में लेना चाहेगा वही ऑन हाईवे इसका जाएगा वही 13 से 15 के बीच में। तो ये था दोस्तों इसके इंजन ऑप्शन, जो कि आपको पता लग गए होंगे। तो इसके सबसे पहले जो है सेफ्टी फीचर्स एज अ बेस वेरिएंट से इसमें क्या क्या मिलेंगे। इसमें जो है बेस वेरिएंट में सबसे पहले जो कि मैंने बताया आपको, चारों टायरों में डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगी। और साथ ही साथ जो है रियर सेक्शन अगर मैं बात करूं, रिवर्स पार्किंग सेंसर बेस वेरिएंट से ही जो है आपको इसमें मिलेंगे। और साथ ही साथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो है आपको इसमें बेस वेरिएंट से मिल जाती हैं। और 2 एयरबैग्स आपको इसमें मिलेंगे बेस वेरिएंट से ही। लेकिन 6 एयरबैग्स अगर आप लेना चाहते हैं या फिर 4 एयरबैग्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो इसका स्मार्ट या शार्प वेरिएंट ऊपर की ओर आपको जाना पड़ेगा, थोड़े ज़्यादा पैसे जो है इसमें खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन बेस वेरिएंट भी काफ़ी फीचर रिच रहता है, जैसे ही वो आता है उसकी भी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी दोस्तों एक MG एस्टर का थोड़ा ओवरव्यू, इसका जो है ये EX वेरिएंट जो आपने देखा, शार्प EX वेरिएंट, कैसा लगा ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।